1 hour. Why is it a fixed time you have to come yes, back? We have to. So you have to, if you are late, you have to pay extra money. Yes. So let's take 2 hours then. We can come early always. Going down now. See? Brace yourself. Woohoo! कहाँ से आया? बहुत बड़ा, काफी लंबा था, सच में लंबा है। मोनास्ट्री कुछ जा रहे हैं, बस थोड़ी देर उतरते ही यहाँ पे एक घोड़ा खुले में छोड़ दिए। एक घोड़ा तो बांधा हुआ है, एक घोड़ा खुले में छोड़ा हुआ है। मतलब टूरिस्ट जगह में घोड़े खुले में छोड़ दिए, किसी को कुछ मार लात वात ना मार दे, थोड़े से बात का डर तो रहता है। इस मोनास्ट्री के अंदर छोटा छोटा इस तरह का रूम है, वो पुराना रूम केव का बनाया हुआ है। मतलब घुसते एकदम ठंडा, एकदम ऐसा लग रहा है कि सारा बाहर का जितना गर्मी है सारा खत्म हो रहा है। एक नहीं, बहुत सारा है। देखिए ऐसे और एक रूम, यहाँ पे उनका चूल्हा खाना बनाने के लिए, ये उनका किचन है। सो ये रहा तातेव मोनास्ट्री का एक वॉक अराउंड। ये 9th century मोनास्ट्री है, काफ़ी पुराना, लगभग 1100 साल पुराना, लेकिन अंदर से अच्छा खासा मेंटेन किया हुआ है। कुछ लोग इसके ऊपर भी चढ़ रहे हैं, पर हम लोग नहीं चढ़ेंगे, अभी इतना नहीं हो पाएगा बच्चों को लेके। द तातेव ऑयल मिल, कौन सा है लिखा तो यहाँ पे, इस लोहा सा रस्टी बोर्ड में लिखा है तातेव ऑयल मिल। मेरे ख्याल से ये वाला जो टूटा हुआ घर है ये होगा, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे एक गेट भी है, लेकिन गेट के बाद आप जाओगे तो सीधा मुझे लग रहा है खाई है आगे। हाँ यहाँ पे है तातेव ऑयल मिल, यहाँ पे लिखा है द ऑयल मिल। हाँ इसको घुमाते होंगे। सेम मोनास्ट्री, स्नो का टाइम ऐसा दिखता है, अब जो हम लोग आए हैं ऐसा दिख रहा है।
ये क्या है समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे लोहा का एक रॉड है बड़ा सा, दो लकड़ी का लॉग, बिजली कड़कने लगी है, बारिश सभी कभी भी मोमेंट हो सकता है। और यहाँ पे जो केबल का जो सीन है, केबल कार का जो सीन है तो फिक्स टाइमिंग है, उन्होंने दिया था 1 घंटा, अब 2 घंटा चूज कर सकते हैं। 1 घंटा दिया था तो बोले कि जो टाइम है उसके 5 मिनट पहले ही पहुँच जाना, अगर आप जो टाइम से लेट आओगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। इसलिए बेटर है कि आप थोड़ा ज़्यादा ड्यूरेशन का लीजिए, पैसा उतने लगेगा लेकिन आपको अगर लेट हो जाए तो फिर आपको एक्स्ट्रा देना ना पड़े। लेकिन अगर आप जल्दी आना चाहो तो अगर खाली स्पेस है तभी आ सकते हो। सामने में एक पहाड़ है वो दिख रहा है, वहाँ पे वो खंबा दिख रहा है, उसके बाद उसके पीछे और एक पहाड़ है, ये रहा पहाड़, वहाँ पे भी जाएंगे, वहाँ से ये वाला पहाड़ से हमारा यहाँ पे सब खुल गए। Ուրախ եմ հոգնել ձեզ Տաթևեր ճոպանուղում, որը գրանցվել է Գինեսից աշխարհի ամենաերկար ճոպանուղի։ Длинный в мире реверсивный канатный. Ընդացքի ձախ կողմում դուրը տան գետի վրա։ Բնական կամուրջ, որը հազարամյակների ընթացքում զարգացել է։ How old this tramway? How old this one? 2010. Օրինակ տեխնիկիչներին նախազգուշացրել են թշնամու զորքերի ուտելու մասին։ Կալակալա կատուրովա։ Вам за опасность доплачивают? Много уже, долго? И страшно это или уже? И вот у вас есть какие-нибудь? У вас есть, смотрите, не знаю. Ноги покажутся. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Wash and wash Russian made. Russian made. So this is 4x4. Yeah, it's even better than Gelandewagen. So he can go everywhere and Niva. Also, you can see many in Armenia. Also like Jeep and Niva. Niva. It's very also good car. You can drive everywhere, like off-road. Off-roading car. Yeah. But how about the Lada? Lada still manufacturing? Lada, yeah.
Yes. It's raining. It's raining. Lada, I want to drive Lada once, but I'm not getting chance. I got a rental car. You can rent it here. No, I already have one rental car. जिस भाई से बात कर रहे थे वो रशिया का जो सेंट पीटर्सबर्ग है वहाँ पर रहते हैं, लेकिन वो बॉर्न एंड पैदा उनका वो अफगानिस्तान में, सॉरी कजाकिस्तान में, अलमटी शहर कजाकिस्तान। और मैं पूछा आप रशियन हो, क्योंकि वो थोड़ा दिख रहे थे, थोड़ा सा वो कजाकिस्तान किर्गिस्तान टाइप का थोड़ा सा, और रशियन बहुत फ्लुएंटली बोल रहे थे। और यहाँ पे काफ़ी दिन से यहाँ पे घूम रहे हैं, ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे घुमक्कड़। एनीवे, हम लोग का तातेब का जो केबल कार का ट्रिप यहाँ पे ख़त्म होता है, तभी हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा टाउन है गोरिस करके, काफ़ी हिस्टोरिकल टाउन है, वहाँ पे थोड़ा बहुत घूमेंगे, फिर वापस जाएंगे येरावान की तरफ, और जहाँ पे लेट होगा उसी के आसपास कहीं पे होटल बुक कर लेंगे रहने के लिए। हाँ, ये तातेब का जो विंग्स ऑफ तातेब है उसका जो प्राइस पड़ा, हम चार लोग थे, बच्चों दो बच्चों को मिला के 20,000 आर्मेनियन ड्राम पड़ा, जो आना और जाना, एक तरफ जाना और आना। हम लोगों को पड़ा, बड़ों लोगों का पड़ा 9,000 का 18,000, और बच्चे वो दोनों इंक्लूडिंग इन्फेंट दोनों का 1,000 पड़ा, और टोटल 20,000 आर्मेनियन ड्राम खर्चा हुआ आना जाने में। ये टूटा हुआ घर एक दिख रहा है लेफ्ट में, Kiki, we'll go hunting that house. Kiki को मन लग गया, जो जो टूटा हुआ घर जो हम लोग लास्ट टाइम गए थे ना, जो जो रेडियो जो स्पेस वाला जो जगह पर गए थे हम लोग, एंटीना वेंटाना जहाँ पे था, तो उसको मन लग गया कि हम वैसे ही जाएंगे, हंटिंग करेंगे, वो करेंगे, हंटिंग बोले, हंटिंग नहीं है वो, हंटिंग टूरिस्ट में एंट्री हो गया हमारा राइट में। ये कुछ यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर है पत्थर का, और राइट में गोरिस टाउन है, और ये जो गोरिस टाउन है एक रिवर है, रिवर गोरिस करके है, उसके जस्ट बेस पे बनाया हुआ है। मौसम फिर से बदल रहा है, आसमान एकदम काला सा हो गया है, ये देखिए। बारिश फिर से होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, अभी जस्ट हम लोग जो केबल कार के पास थे वहाँ पे अच्छा खासा बारिश हो गया है एक झटके में, अब फिर दोबारा बारिश होने का मुझे असर लग रहा है। ऊपर चल रहे हैं गोरिस टाउन, नीचे है थोड़ा आगे, यहाँ पे क्लियरेंस मिलेगा वहाँ दिखेगा। ये रहा गोरिस टाउन, दिख जा थोड़ा बहुत दिख रहा है। अरे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, डाउन में अंकल खड़ा कर दिया गाड़ी। गोरिस टाउन के रास्ते में जा रहे हैं, और यहाँ भी ऐसी पत्थर का घर जैसे हम लोग लास्ट देख के आए थे गुमरी में, वैसे ही। जाओ जाओ जाओ, रोड क्रॉस कर लो, हम जाएंगे यहाँ से स्ट्रेट। सभी एकदम फुल स्पीड में आ रहे हैं, ऐसा रोड में लेके आ गए, इस रोड में हम वापस भी नहीं आ सकते। थोड़ा सा अपना जो सिटी का अच्छा रोड छोड़ने के बाद ही एकदम गंदा रोड, बीच गली का रोड एकदम अच्छा नहीं है, कहीं पे भी जाओ। हालांकि अभी काम चल रहा है अभी यहाँ पे, सीमेंट का खम्बा, ऊपर लकड़ी, वो जो आगे पहाड़ दिख रहे हैं वहीं पे जाएंगे हम लोग। पहाड़ में बहुत सारे गुफाएं हैं, वो गुफा मेन है यहाँ का एट्रैक्शन है।